नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। बड़ौदिया से सैकड़ों लोग आए भाजपा में। गुरुवार को भाजपा तथा मंत्री भूपेंद्र सिंह से प्रभावित होकर बड़ौदिया वार्ड के सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। सदस्यता लेने वालों का मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र लगातार मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से प्रगति के शिखर पर पहुंच रहा है। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिले। उन्होंने इस मौके पर ग्राम में छोटेलाल विश्वकर्मा के योगदान की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मंदिर बनवाकर बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, यदि सनातन संस्कृति नष्ट हुई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस का भविष्य नहीं है। भाजपा ने जो जन कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, उसे कांग्रेस के 1.5 साल के शासनकाल में बंद कर दी गई थी। इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह इस मौके पर ग्राम में आयोजित किए गए मंदिर में राधा कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा व यज्ञ समारोह में भी शामिल हुए। एमपी न्यूज कास्ट के लिए मुकेश राय बांदरी की खास रिपोर्ट। बोला नहीं कि आप सदस्यता लो, मगर आप सब पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आप सबको जो लाभ आपके मंत्री भूपेंद्र भैया ने दिया है, और ऐसा लाभ कि जो शायद 20 साल हमें नहीं मिल पाता था, वो हमें मंत्री जी के माध्यम से आज मिल गया है। उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए, आप सबका बहुत स्वागत है। और हमें चाहता हूँ आप सब देखो, कांग्रेस का भविष्य तो बचा नहीं है। कांग्रेस तो अब उड़ गई है, पूरे देश में उड़ गई है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी अति ऊंचे भी उड़ने वाली है। इसे भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास और भूपेंद्र भैया पे विश्वास। इस क्षेत्र की तरक्की है। जय माता राम। पानी देने का काम आपके मंत्री भूपेंद्र भैया के माध्यम से करेंगे। क्या कांग्रेस के शासन में नहीं काम हो सकते थे? क्यों हमें 1.25 साल इसके लिए पीछे जाना पड़ा? आज अगर वो काम करते तो आज हमारे खेतों में पानी पहुंच जाता, हमारा किसान संपन्न हो जाता। हमारा किसान संपन्न होता तो पूरा विधानसभा क्षेत्र संपन्न हो जाता। मगर क्यों नहीं करती कांग्रेस काम आज तक? आप बताओ, बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, क्या ये जो विकास के कार्य हैं ये पहले नहीं हो सकते थे, जो आज क्यों हो रहे? जब से 2013 से आपके मंत्री भूपेंद्र भैया जो इस विधानसभा से चुनाव जीते हैं, तब से आप जाके देखो पूरा विधानसभा चमकाने का काम आपके मंत्री भूपेंद्र भैया ने किया है। आज नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है हमारा विधानसभा क्षेत्र, और बढ़ रहा है तो आपके मंत्री भूपेंद्र भैया की वजह से। आज आप कहीं पे भी चले जाओ तो कहते हैं भैया आपके क्षेत्र में ज्यादा काम चल रहे हैं, लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। आप तो अपने रिश्तेदारियों में बाकी के क्षेत्रों में जाओ, वहां पूछो कि काम